कश्मीर का जो मसला है ये मसला है, कोई भी ये कहे ये मसला नहीं है, ये है, ये यूनाइटेड नेशंस में है, ये दोनों मुल्कों के दरमियान है। क्यों नहीं तो इतनी बातें जो हुई वो किस लिए हुई? आज 47 से ये बातें हो रही हैं, जवाहरलाल नेहरू के वक्त में बातें हुई, जितने वजीर अजम थे उनके बारे में उस वक्त में भी बात हुई, अभी भी नरेंद्र मोदी है इन्होंने भी बातचीत की वहाँ जाकर। तो इसका फैसला जो है वो करना पड़ेगा इन्हें, और उसमें इन्हें दोनों मुल्कों को, अब वो कहते हैं जी पहले टेररिज्म ख़त्म करो। अब आज देखिए अफगानिस्तान का मसला हल हो रहा है, वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ तालिबान भी गोलियाँ चला रहे हैं, मगर तब भी बातचीत हो रही है, और उस बातचीत का हल मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा निकलेगा। आप तो यहाँ वो पॉलिसी क्यों नहीं इख्तियार करते? और वो पॉलिसी इनको यहाँ भी इख्तियार करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, यहाँ के लोगों से, मुल्क के हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को बात करनी पड़ेगी, वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो उनके पास कश्मीर है उनके लीडरों से बात करनी पड़ेगी, फिर ये जो दो हिस्से हैं इनके लीडरों को बात करनी पड़ेगी आपस में, कि ऐसा हल निकले जिसमें ना हिंदुस्तान ये समझे कि हम हार गए, ना पाकिस्तान ये समझे वो हार गए, ना जम्मू कश्मीर लद्दाख का आवाम ये समझे कि हम हार गए। चलो यार हो गया, तो मिक्स देखो डर है उनको, देखिए मैं नहीं कहता कोई मिक्स रोल हो, और सबसे बात तब हो सकती है जब दिल साफ हो इनका दिल्ली में, और बातचीत होनी चाहिए, दबाव से बातचीत नहीं होगी। Please don't forget to subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest updates.